पीएम मोदी हर बार अपने कपड़ों या जैकेट की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक खास तरह की जैकेट पहनी जो चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि पीएम मोदी संसद में जो जैकेट पहनकर पहुंचे थे वह 28 सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल से बनाई गई है। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास जैकेट पहने नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को संसद में नीले रंग की खास जैकेट पहनकर पहुंचे। जैकेट को प्लास्टिक की बोतलों से रिसाइकल कर तैयार किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बैंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक में पीएम मोदी को ये जैकेट भेंट की थी। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हर साल 10 करोड़ बोतल को रिसाइकल करेगा, जिससे सशस्त्र बलों के लिए भी वर्दी बनाई जाएगी। ग्रीन डेवलपमेंट सरकार की प्राथमिकता, एक साल में 10 करोड़ से ज्यादा बोतल अब इस मिशन के तहत रिसाइकल की जाएंगी। इंडियन ऑयल के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए भी अब इसी तरीके से कपड़े बनाए जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। 19,700 करोड़ रुपए के खर्च के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि सरकार की 7 प्राथमिकताओं में से ग्रीन डेवलपमेंट भी एक बड़ी प्राथमिकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम 10 करोड़ हर वर्ष 10 करोड़ सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स, और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे कोई प्लास्टिक की बॉटल नहीं है, क्योंकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोधी बन गए। तो उसकी बनी हुई जैकेट जो मैंने भी अभी पहनी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे IOCL जो कंपनी जिस पे काम किया है उन्होंने एक प्रेजेंट किया। खैर, पीएम मोदी को जो जैकेट दी गई वो बस एक सैंपल भर है। हर साल 10 करोड़ से ज्यादा PET बोतल को रिसाइकल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19,700 करोड़ रुपए के खर्च के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जो अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने की सुविधा देगा। इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन के आयात पर भी निर्भरता कम होगी और देश को इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा।